हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर हाई लो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले, अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक लिया है, और ये फैब्रिक मैंने जो नेट का लिया है वो 2.5 मीटर है, और इसके साथ ही मैंने सैंटून फैब्रिक भी 2.5 मीटर लिया हुआ है। और इसके बाद मैंने 1/2 मीटर ये कॉटन लाइनिंग फैब्रिक लिया हुआ है। ये तीनों फैब्रिक लेना है इसमें। और सबसे पहले इसकी कटिंग हम सैंटून के कपड़े पे करते हैं। तो सैंटून के कपड़े पे सबसे पहले हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है, ऊपर की साइड इसकी बंद वाली है। अभी हम इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया ट्रायंगल शेप में। मेरे साइड इसकी बंद वाली है, दूसरी साइड इसकी ओपन है। इसके बाद देखिए, जो इसमें जो मैं जो वेस्ट कट कर रही हूँ वो 28 वेस्ट साइज की है। 40 इंच की मैं टोटल लेंथ लूँगी, और 40 इंच में जो हमारा टॉप का पार्ट होगा वो 14 इंच का होगा। तो 40 में से जब हम 14 इंच माइनस करेंगे तो वो बचेगा 26 इंच, यानी जो बॉटम का पार्ट मैं लूँगी इसमें सैंटून के कपड़े में वो 26 इंच की होगी। तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। 27 इंच जहाँ भी आता है वो हम मार्क कर लेंगे। तो इसके बाद ऊपर की साइड से देखिए, ये 13 इंच आ रहा है, तो 13 इंच को हम इस तरह से गोलाई में मार्क करके वेस्ट मार्क कर लेंगे। ये हमारा वेस्ट होगा, और इसकी देखिए यहाँ पे टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो 41 की आ जाएगी। बनने के बाद ये 40 इंच की रेडी होगी। तो ये सैंटून कपड़े की लेंथ होगी 41 इंच की। तो जो हम नेट का फैब्रिक कट करेंगे वो 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तरह से मैंने कट कर लिया है। भी ये देखिए, एक साइड से ये ओपन है, एक साइड से बंद है। अब जिधर ओपन वाली साइड है वो फ्रंट में आएगी। यहाँ पे हम हाई लो की पैटर्न ड्रॉ करेंगे, इस तरह से रख लेंगे। और जिधर ओपन साइड है यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं इसमें 9 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से देखिए, मैंने 9 इंच मार्क किया हाई लो की पैटर्न के लिए, और इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। इस तरह से देखिए शेप ड्रॉ कर लेनी है, और इसी निशान पे हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है, और इसके बाद इसकी कटिंग हम नेट के फैब्रिक पे करेंगे। तो नेट के फैब्रिक को भी हम खोल के डबल फोल्ड करके मैंने इस तरह से रख लिया है। अब जिधर बंद वाली साइड है वहाँ से हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड से हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे अब 4 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्क करूँगी, 31 इंच मैं मार्क करूँगी नीचे की साइड से। देखिए यहाँ पे मार्क किया, और अब यहाँ पे जो इसकी लेंथ आ रही है वेस्ट से वो 10 इंच की आ रही है। तो 10 इंच को हम गोलाई में इस तरह से मार्क करके इसकी वेस्ट का निशान लगा लेंगे। इस तरह से वेस्ट का निशान लगा लिया। अब देखिए, ऊपर से जो इसकी लेंथ आ रही है उसको हम गोलाई में इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से अभी इसमें भी जो ओपन वाली साइड है वहां से हम हाई लो की पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो यहां से भी हम 9 इंच मार्क कर लेंगे ओपन वाली साइड से, और इस तरह से इसमें शेप मार्क करके इसे हम कट कर लेंगे।
तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है, इसके बाद हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट की कटिंग सबसे पहले हम इस लाइनिंग के फैब्रिक पे करेंगे जो हमने कॉटन लाइनिंग ली हुई है। इसको फोर फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। देखिए मैंने हाफ मीटर कपड़ा लाइनिंग का लिया हुआ है, तो इस तरह से इसे फोर फोल्ड करके रखेंगे। और इसके बाद इसकी हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मुझे 14 इंच की रेडी चाहिए, 1 इंच हम एक्स्ट्रा 15 इंच मार्क करेंगे। 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ मैंने 15 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके बाद इसकी जो विड्थ मैंने ली हुई है वो 11 इंच की है। मुझे इसमें 34 चेस्ट साइज की कुर्ती बनानी है। अभी यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे, तो शोल्डर के लिए मैं 6.5 इंच मार्क करूँगी, यहाँ मैंने मार्क किया। आर्म होल के लिए भी हम 6.5 इंच मार्क करेंगे। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के इस तरह से। इसके बाद हमें चेस्ट मार्क करनी है, तो चेस्ट का 1/4 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 10.5 इंच ले रही हूँ। किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क करना है। चेस्ट का 1/4 लेना है और इसमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। इसके बाद हम इसकी वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए मैं इसे 28 वेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो टोटल मैं 9 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ऊपर तक मिला लेंगे। इसके बाद आर्म होल में गोलाई देंगे, तो आर्म होल का हाफ निशान लगाएंगे और यहाँ तक इसे गोलाई देंगे। फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे। नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक विड्थ मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ और नेक डीप बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए मैं 5 इंच मार्क करूँगी। दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। और इसके बाद शोल्डर पे हम हाफ इंच की स्लोप देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल कट करेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसमें से अभी एक पार्ट हटा देंगे बैक का और फ्रंट पार्ट की नेक और आर्म होल कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब इसकी कटिंग हम सैंटून के फैब्रिक पे कर लेंगे, तो इसे भी हम फोर फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट और बैक के पार्ट एक साथ कट करेंगे, तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फोर फोल्ड करके रख लिया है। अभी हम बैक का पार्ट लेंगे। ध्यान रहे बैक के पार्ट से मैं कट कर रही हूँ, तो बंद वाली साइड की तरफ बंद साइड रहेगी। इस तरह बिल्कुल बराबर से मिला के रखना है और इसमें नेक की शेप और आर्म होल की शेप बिल्कुल बराबर से मार्क कर लेनी है। इस तरह से मार्क कर लिया, अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। देखिए इसमें से एक पार्ट हटा लेंगे बैक का। और अब जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था लाइनिंग पे, उसे इसके ऊपर रखेंगे और आर्म होल और नेक इसकी फिर से हम कट कर लेंगे इस तरह से। पहले मार्क कर लेंगे, इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी इसकी कटिंग हम नेट के फैब्रिक पे करेंगे, तो इसे हम खोल के रख लेते हैं। ये बचा हुआ फैब्रिक है, तो इस तरह से खोल के मैंने इसे सिंगल लेयर में रख लिया है। और जो लाइनिंग का कपड़ा हमने कट किया था वो इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखिए सेम नाप की हमें ये फैब्रिक पे इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद देखिए जो सैंटून फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रखेंगे और नेट को भी इसके ऊपर सीधी साइड से रखेंगे। सीधी साइड यानी दोनों की ऊपर की साइड है, इस तरह से रखना है। इसके बाद ये जो कॉटन लाइनिंग ली है वो इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी इसकी कॉटन की जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड है। इस तरह से बराबर से रखेंगे
पिन से फिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसकी नेक में हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ नेक में अभी हम सिलाई लगाएंगे, ठीक इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी सैंडटून फैब्रिक को सीधी साइड से रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की साइड है, और नेट फैब्रिक को भी सीधी साइड से रखेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो लाइनिंग है वो इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, इसे भी बिल्कुल बराबर से मिला के रखेंगे। और इसमें भी हमें नेक के शेप में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है नेक में, अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसे हम कट कर लेंगे। से कट कर लिया, अभी इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे बैक के पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद इसे हम टर्न कर लेंगे, जो लाइनिंग का कपड़ा है उसे अंदर की साइड कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से टर्न कर लेना है और उसके बाद हमें इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है और चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। बैक के पार्ट को भी ठीक इसी तरह से टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे, तो इस तरह से रखते हुए शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स देखिए हमने स्टिच करके तैयार कर ली है, ज्वाइंट वाली जगह पे मैंने लेस अटैच कर ली है। अभी ये फ्रंट साइड की स्लीव है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्क कर लेंगे, यहाँ पे देखिए सेंटर मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव को इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। स्लीव मैंने अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, वेस्ट का भी सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से एक साइड चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी 1/4 मार्क कर लेंगे, वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेना है दोनों साइड में और इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद स्लीव राउंड भी मार्क कर लेना है, तो स्लीव राउंड मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ, यहाँ मार्क किया इस तरह से। दूसरी साइड भी स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसका बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी ओपन वाली साइड है उधर हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे और यहाँ पे सैंडटून फैब्रिक है उसमें हम बड़े नंबर की सिलाई लगा लेंगे प्लेट्स डालते हुए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी बॉटम में पीको कर लिया है और यहाँ पे सुई से इस तरह से बड़े नंबर की सिलाई लगा ली है। जितनी भी टॉप पार्ट की वेस्ट हमने रखी है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स बना ले ली हैं और इस तरह से रखेंगे। यहाँ से देखिए सेंटर मिला के रखेंगे, ये सेंटर इसका नेट फैब्रिक का भी सेंटर इस तरह से मिला के रखेंगे। इस तरह से वेस्ट को मिला के रखना है। अभी नेट फैब्रिक में जो कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी हम आगे की साइड छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे। तो इसे बैक साइड से अटैच कर रहे हैं ताकि जो नेट फैब्रिक ज़्यादा इसमें आए वेस्ट में उसकी हम आगे की साइड प्लेट्स बना सकें। इस तरह से इसमें प्लेट्स बना के इसको इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा के दोनों को एक साथ अटैच कर लिया है। अभी हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेंटर मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए सेंटर मिला के रखेंगे
इस तरह से सेंटर मिला के रखेंगे और पूरी गोलाई में इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, यहाँ से देखिए इसे अटैच करेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लिया है और ये कुर्ती बनके तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।